हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मई मंथ के करंट अफेयर्स मई 2022। ठीक है, तो मई जो ये मई मंथ का जो करंट अफेयर्स था काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे, सो बट ड्यू टू सर्टन इश्यू बना नहीं पाए थे हम लोग। तो अभी ये फाइनली मई 22 के करंट अफेयर्स है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम लोग ये पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है फर्स्ट मई 2022। फर्स्ट मई 2022 का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट डे जिसको इंटरनेशनल लेबर डे तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। सो ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द लेबर राइट्स एंड टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द वर्किंग क्लास, बिकॉज लेबर एक ऐसी कैटेगरी मानी जाती है वर्किंग क्लास में जो लो इनकम पे काम करते हैं और सबसे ज़्यादा रिस्क वाली एक्टिविटीज में इन लोग ये इन्वॉल्व होते हैं। सो इनके बेटरमेंट के लिए, इनके राइट्स के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल लेबर डे। ओके, नेक्स्ट आता है MSME सर्टिफिकेशन स्कीम। सो नारायण राणे लॉन्च जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम। स्कीम फोकसेस ऑन द रिडक्शन इन द वेस्टेजेस, एनहांस एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड एटसेट्रा, एंड स्कीम विल प्रोवाइड सब्सिडी टू द MSME, तो जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम को डेवलप किया गया है बाई मिनिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट जाते हैं सेकेंड मई 2022, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड टूना डे। ये एक पर्टिकुलर फिश है, बराबर, तो इसमें इस पर्टिकुलर फिश के लिए ये डे को ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज द मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूना फिश एंड प्रमोटिंग द सस्टेनेबल फिशिंग। मतलब फिशिंग एज ऐसी एक्टिविटी आपको करनी चाहिए जिससे करंट जो जनरेशन है उसको भी ये एज अ फूड प्रोडक्ट मिले, प्लस आने वाला जनरेशन भी इसको एज अ फूड प्रोडक्ट यूज कर सके। ठीक है, अदरवाइज वो एक लेवल पे एक्सटिंक्ट हो सकता है। देन गगनयान फर्स्ट अनक्रूड मॉड्यूल। सो इसरो हैज फाइनलाइज द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट अनक्रूड मिशन और जीवन विच विल प्रोपेल द ऑर्बिट मॉड्यूल। जीवन मिशन विल बी फॉलोड बाय G2। तो एक अनक्रूड मॉड्यूल गवर्नमेंट अभी प्लान कर रहा है अलॉन्ग विद इसरो, तो इसरो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहा है। नेक्स्ट थर्ड मई 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो थर्ड मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये पर्टिकुलर डे में जर्नलिज्म या न्यूज रिपोर्टिंग को कितना फ्रीडम दिया जाता है उनकी गवर्नमेंट के साइड से, उनकी कंट्री की गवर्नमेंट के साइड से, इस पर्टिकुलर फ्रीडम को एनालाइज किया जाता है, चेक किया जाता है, बिकॉज काफी सारी कंट्री है जो अपने प्रेस को, मीडिया को, जर्नलिस्ट को फ्रीडम नहीं देते हैं, राइट टू स्पीच उनको प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता है, वो अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तक नहीं कर सकते हैं जर्नलिस्ट। सो ये भी अगर एक रैंकिंग देखने जाएंगे तो इंडिया का रैंक आता है 150 रैंक इन 2022 में, और वो भी आउट ऑफ 180 कंट्रीज, तो कहीं ना कहीं ये रैंकिंग अच्छी नहीं मानी जाती है, बिकॉज इससे ये क्लियर हो रहा है कि इंडिया में भी जो फ्रीडम की बात करते हैं हम लोग जर्नलिस्ट को, वो उस लेवल तक नहीं मिल रहा है। ठीक है, या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मीडिया इन्फ्लुएंस होके बात करता है, ये आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड अस्थमा डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है थर्ड मई को। इसके लिए ये पर्टिकुलर इवेंट को इसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है, सो दैट इस डिजीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, अवेयरनेस हो, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या इसके करेक्टिव मेजर्स बनते हैं। नेक्स्ट, न्यू नेम ऑफ स्टेशन। सो राजस्थान रीनेम्ड मियादा बड़ा हॉल्ट एज अ महेश नगर हॉल्ट। तो ये एक स्टेशन जो था मियां का बड़ा हॉल्ट, इसका नाम चेंज करके महेश नगर हॉल्ट कर दिया है, बिकॉज जो विलेजेस थे वहाँ के, जो ये पर्टिकुलर गांव में रहते थे, उन विलेजेस की ये डिमांड थी कि ये स्टेशन का नाम चेंज होना चाहिए। देन एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। सो पीवी सिंधु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन सिंगल एट द 39th एडिशन ऑफ द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022। बराबर, ये इवेंट कंडक्ट किया गया था फिलीपींस के अंदर, जिसके अंदर इंडियन प्लेयर पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट जाते हैं 4th मई 2022 फायर फाइटर्स डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 4th मई को।
इनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब आग लगती है तो ऑब्वियसली ये लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचते भी नहीं है और लोगों को बचाने और हेल्प करने जाते हैं। तो ये लोग अपनी लाइफ रिस्क पे लेके जाके यहाँ कुछ सिचुएशन में, तो अपनी लाइफ ये लोग सेक्रीफाइस दे कर देते हैं टू प्रिवेंट अदर्स लाइफ, किसी और को बचाने के लिए। तो इनके लिए फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 4 मई को। देन कोल माइनर्स डे, ये भी 4 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ऑब्जर्व फॉर अ सेक्रीफाइस ऑफ द कोल माइनर्स एंड टू अप्रिशिएट द वर्क। ऑब्वियसली इनका भी एक बहुत टफ जॉब है, तो इनके लिए भी एक पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है। द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज। द टाइम्स हायर एजुकेशन रिलीज, जिसको THE बोलते हैं, इम्पैक्ट रैंकिंग 2022, 1,524 यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 110 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड ऑन वर्क टूवर्ड्स द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंडिया बिकम्स द 4th मोस्ट वेल प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड कंट्री। ठीक है, तो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट माना जाता है। नेक्स्ट 5 मई 2022, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, जो 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। हेल्थ केयर के सेक्टर में मतलब हाथ धोने का इम्पोर्टेंस कितना है, ये इस पर्टिकुलर डे के थ्रू पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसको ऑब्जर्व करवाया जाता है। और कोविड सिचुएशन में तो हमने भी देख लिया कि हाथ धोना ये सब कितना हाइजीनिक चीज़ मानी जाती है। नेक्स्ट वर्ल्ड पोर्टुगेज लैंग्वेज डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 5 मई को, ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट पोर्टुगेज लैंग्वेज एंड कल्चर। ये भी एक बहुत पुराना लैंग्वेज और बहुत पुराना कल्चर है, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। देन ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट, पीएम मोदी इनोग्रेटेड ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2022 एट सूरत। ये एक पाटीदार एक कम्युनिटी है, तो इनका भी एक समिट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको इनॉग्रेट किया था सूरत में। सो मिशन इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पाटीदार कम्युनिटी। नेक्स्ट 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप। आजकल स्टार्टअप्स ये वो बहुत ज़्यादा क्रेज में या बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में भी है और बहुत ज़्यादा चलते भी हैं। सो वैसे ही इंडिया को अपना 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिल चुका है, तो वो उसका नाम है ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अ नियो बैंकिंग स्टार्टअप, जो इंडिया का 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। नेक्स्ट 6 मई 2022, इंटरनेशनल नो डाइट डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 6 मई को। ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हेल्दी ईटिंग लाइफ स्टाइल एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर्स। देखो, खाली डाइट करने से तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी ये नहीं है, डाइट के साथ साथ तुम्हारा फूड पैटर्न, तुम कितनी चीज़ें हेल्दी खाते हो बराबर, कौन से टाइम पे खाते हो बराबर, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो इसके लिए इंटरनेशनल नो डाइट डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज, इंडिया फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल। सो इंडिया का जो फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल था, जो है, उसको स्टार्ट किया गया है इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये जो फर्स्ट फेस्टिवल ऑब्जर्व किया था, इसको इनॉग्रेट किया था बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंचार्ज है। नेक्स्ट, थर्ड रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स। सो इंडिया की जो एयरफोर्स है, अब वो वन ऑफ द सुपीरियर या मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स तो मतलब वैसे तो थी ही, बट ये अभी और पावरफुल बन चुकी है। बिकॉज ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2022 के हिसाब से इंडिया की जो एयरफोर्स है, वो वर्ल्ड की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स बन चुकी है। फर्स्ट रैंक पे है यूएसए, सेकेंड रैंक पे है रशिया, और थर्ड आ चुका है अभी इंडिया। तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। देन यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर, सो सचिन तेंदुलकर कंटिन्यू एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ फॉर द 20th ईयर। कंटिन्यूस 20 साल से यूनिसेफ ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा है। एंड यूनिसेफ इज इन्वॉल्व इन द अवेयरनेस एंड प्रमोट ऑफ पोलियो प्रिवेंशन इन इंडिया। नेक्स्ट 7 मई 2022, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, जो 7 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। सो ऑब्जर्व टू एनकरेज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड हेल्थ। इस चीज के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट 8 मई 2022,
वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, तो 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक डिजीज है, बट ये एक ऐसा डिजीज है जिसके बारे में ज्यादा आज तक लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, तो वो अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो इसके लिए वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो रिलायंस हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच US$100 बिलियन इन द ईयर 2022। और जो रिलायंस का रेवेन्यू है वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में करंट ईयर में 47% इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट, 9 मई 2022, 10 GW सोलार स्टेट। राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू डेवलप 10 GW पावर जनरेशन। मतलब ये बहुत ज़्यादा पावर जनरेशन कैपेसिटी अभी हो चुकी है राजस्थान की, और वो भी विद द हेल्प ऑफ सोलार। सो बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली नेचर का ये पावर जनरेशन अभी होगा। नेक्स्ट आते हैं 10 मई 2022, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। सो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर अनवेल द मैस्कट धाकड़ एज वेल एज द ऑफिशियल एम्बलेम एंड जर्सी ऑफ द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, जो हरियाणा इसको होस्ट कर रहा है। तो ये अब स्टार्ट मई में इन्होंने कर दिया था, बराबर, 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके, चलो नेक्स्ट इवेंट पे जाता है 11 मई 2022, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। सो ऑब्जर्व टू कैमेमोरेट द अचीवमेंट्स ऑफ द साइंटिस्ट रिसर्चर्स इंजीनियर्स एंड अदर्स हु आर इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो भी साइंटिस्ट है या रिसर्चर्स है या इंजीनियर्स है, इनके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन इंडिया, उसके लिए ये पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज वॉज ओपन इन वियतनाम। और ये ब्रिज का जो टोटल बोलते ना लेंथ है वो है 632 मीटर, एंड इट इज सिचुएटेड इन प्रॉपर जंगल एरिया। तो एक जंगल का आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको वहाँ पे एक विजिट कर सकते हो, और प्लस ये एक ग्लास ब्रिज जो एक बहुत यूनिक कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया है। देन माइंडट्री एंड एलएनटी अमालगमेशन। सो लार्सन एंड टुब्रो एंड माइंडट्री अप्रूव्ड देयर अमालगमेशन। और जो इन्होंने अपना नया नाम अभी रखा है, दैट विल बी, सो न्यू नेम विल बी LTI माइंडट्री। ओके, ये नया नाम उनका रहेगा। नेक्स्ट, 12 मई 2022, ईवी चार्जिंग स्टेशन इन मुंबई। सो मुंबई गेट्स इंडियाज फर्स्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय फूड वेस्टेजेस। तो मुंबई में अब कुछ नया ही कंसेप्ट आ चुका है कि आप जो अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसको आप चार्ज कर सकते हो मुंबई के अंदर, और वो भी उस तरीके से जहाँ पे मतलब वो जो भी इलेक्ट्रिक स्टेशंस है वो पावर दिया जाता है उसको बाय फूड वेस्टेजेस। ओके, और ये इनोग्रेट किया गया था महाराष्ट्र एनवायरमेंट मिनिस्टर के थ्रू, जो थे आदित्य ठाकरे। नेक्स्ट, नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप। सो साउथ कोरिया जॉइन्स नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप, फर्स्ट एशियन कंट्री टू जॉइन सच ग्रुप। बाकी कोई भी एशियन कंट्री ऐसे कोई ग्रुप में अब तक मेंबर नहीं बना है। नेक्स्ट, एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। सो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज फॉर द ईयर 2022-2024। एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज वॉज एस्टाब्लिश इन द ईयर 1998। नेक्स्ट, न्यू एक्रेडिटेशन एजेंसी। सो सेबी हैज गिवन NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड रिकॉग्निशन एज एन एक्रेडिटेशन एजेंसी फॉर 3 ईयर्स। एंड NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ NSDL। NSDL जो जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड। ओके, चल उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 13 मई 2022, लुइस विटन एम्बेसडर। सो ये एक फॉरेन की ब्रांड है जिन्होंने दीपिका पादुकोण को अपना होम ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, और ये फर्स्ट इंडियन हाउस ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है दीपिका पादुकोण इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। नेक्स्ट, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। सो MP CM मध्य प्रदेश CM शिवराज सिंह चौहान लॉन्च लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। अंडर दिस स्कीम
स्टेट गवर्नमेंट विल पे फीस फॉर द फीमेल फॉर द एडमिशन इन आईआईटी आईआईएम एंड मेडिकल कॉलेजेस। तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के नाम पे आईआईटी आईएम मेडिकल कॉलेजेस की एडमिशन प्रोसेस में हेल्प किया जाएगा, प्लस वो जो भी फीस है वो गवर्नमेंट वो एक्सपेंसेस पे करेगा। नेक्स्ट, न्यू इंडियन आर्मी कोचिंग सेंटर। सो इंडियन आर्मी इज गोइंग टू एस्टैब्लिश रेड शील्ड सेंटर फॉर द एक्सेलेंस एंड वेलनेस फॉर कोचिंग फॉर द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स ऑफ मणिपुर एंड दे विल हेल्प फॉर द एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। तो अब इंडियन आर्मी भी एक हेल्पिंग हैंड के नाम पे स्टडीज एंड एवरीथिंग चीज के लिए भी हेल्प करना स्टार्ट कर चुका है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट स्कीम। तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन अनाउंस न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। और ये छोटे बच्चों को एकदम प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड दिया जाएगा जो उनकी एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट उनका ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो। देन 14 मई 2022 ट्वेल्थ ब्रिक्स मीट। 12th meeting of the BRICS with all the health ministers hosted by the China to launch an early warning system for the large scale pandemics and China is the host of the BRICS from June 2022। तो ये एक मिनिस्ट्री लेवल पे, एक हेल्थ मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग किया गया था जहाँ एक डिसीजन लिया गया था कि अगर कोई पैंडमिक जैसी सिचुएशन आएगी तो अर्ली वार्निंग्स दिए जाएंगे बाकी सारे कंट्रीज को। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बाय टोयोटा। So Toyota plans to invest $624 million to make electronic vehicle components in India and this is going to create new job opportunities for approximate 3500 people। So Toyota ki is investment se India ka EV sector jo hai wo grow to karega hi karega, but besides that logo ko job opportunity bhi yahan pe provide ho jayegi। Then Commonwealth Games 2026, Australia's Victoria State will be the host for the 2026 Commonwealth Games and opening ceremony is going to be held at MCJ, that is Melbourne Cricket Ground, जो बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है वहां पर यह इवेंट होगा ओपनिंग सेरेमनी का। नेक्स्ट आता है 15 मई 2022 इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो ऑब्जर्व किया जाता है 15 मई को और मेन इंटेंशन है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू द फैमिलीज। जो डिस्प्यूट्स है इसको पीसफुल तरीके से कैसे सेटल कर सके सो दैट फैमिली इश्यूज आगे चल के कोई बड़े लेवल पे ना चला जाए, वो कोर्ट मैटर ना बन जाए और कोई ग्रजेस क्रिएट ना हो जाए, इसके लिए इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस। इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस EKA E9 unveiled by EKA, that is EKA करके एक कंपनी है। EKA is a electric manufacturer vehicle company, ठीक है, ये एक व्हीकल कंपनी है जो इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी है। नेक्स्ट, स्किल इंडिया सेंटर। सो वाराणसी टू गेट अ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर टू प्रिपेयर स्किल्ड वर्क फोर्स फॉर द ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो वाराणसी में अभी एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स को मैच करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो मतलब बोलते हैं ना कि कैसे हम लोग भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे एक अच्छे लेवल पे स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोड्यूस कर सके सो दैट हमारे वर्कर्स या जो भी एम्प्लॉयज हैं वो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड के साथ मैच कर सके। नेक्स्ट, 16 मई 2022 नेशनल डेंगू डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 16 मई को। इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मेजर्स ऑन द डेंगू प्रिवेंशन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट द रोल ऑफ द साइंस कल्चर एंड आर्ट। नेक्स्ट, एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022। सो पीएम मोदी लॉन्चेस मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 एंड मेन इंटेंशन इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो इसके लिए अभी एमपी ने अपनी स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक लॉन्च की है जो स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा। नेक्स्ट, स्काई 721 ब्रिज।
वॉट इज द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज नेम्ड स्काई 721 वॉज ओपन इन जेच रिपब्लिक बिटवीन टू माउंटेन्स, जिसकी टोटल लेंथ है अप्रॉक्सीमेट 2365 फीट और विथ है वो 1.2 मीटर। नेक्स्ट, नीति आयोग न्यू इनिशिएटिव। सो नीति आयोग लॉन्चेस द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। मेन इंटेंशन इज टू इम्प्रूव एक्सेस एंड यूज ऑफ द पब्लिश्ड इंडियन गवर्नमेंट डेटा। इस पर्टिकुलर मतलब नीति आयोग का तो ऑब्वियसली आपको भी पता ही होगा, अब तक तो आप काफ़ी सारे करंट अफेयर्स पढ़ चुके हो, कि नीति आयोग इंडिया में एक नई सारी चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक इन्होंने और एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। नेक्स्ट, 17 मई 2022 वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 17 मई को, एम्स टू सेलिब्रेट सेक्सुअल एंड जेंडर डाइवर्सिटी एंड कैंपेन अगेंस्ट वायलेंस। बिकॉज जो टेंशन में जब पर्सन जाएगा तो वो कौन से लेवल पे क्या एक्टिविटी करता है वो किसी को भी पता नहीं चलता है, तो इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। सो टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी एड्रेस्ड फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 इन मुंबई, जिसके थ्रू इंडिया का टूरिज्म अब प्रमोट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट, हाईएस्ट पेड एथलीट। सो लियोनेल मेसी टॉप फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2022 एंड हिज प्री टैक्स ग्रॉस अर्निंग इज $130 मिलियन। नेक्स्ट इज न्यू सीएम ऑफ त्रिपुरा। सो डॉक्टर मनिक साहा अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। एंड जो ये त्रिपुरा को तो अभी चलो सीएम बन चुके हैं, बट इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी से ये आ रहे हैं वो है बीजेपी। नेक्स्ट, न्यू इलेक्शन कमिश्नर। सो मिस्टर राजीव कुमार इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ही इज गोइंग टू रिप्लेस सुशील चंद्रा जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर थे, अभी उनकी जगह पे राजीव कुमार नए इलेक्शन कमिश्नर इंडिया में बन चुके हैं। नेक्स्ट इज थॉमस कप। इंडिया वॉन मेड इन 2022 BWF थॉमस कप बाय डिफीटिंग इंडोनेशिया बाय 3-0 स्कोर। इवेंट वॉज कंडक्टेड इन थाईलैंड। नेक्स्ट इवेंट है 18 मई वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 18 मई, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द HIV वैक्सीन टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन एंड एड्स। नो डाउट ये डिजीज एक डेंजरस डिजीज तो है ही, बट आज भी काफ़ी सारे लोगों को इसके ऊपर मिसकनसेप्ट है कि HIV का स्प्रेड मतलब HIV स्प्रेड कैसे होता है ये, तो इसके लिए डिजीज का ही इंफॉर्मेशन नहीं है तो वैक्सीन की इंफॉर्मेशन तो होना बहुत दूर की बात हो गई है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 18 मई, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द म्यूजियम टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली एक म्यूजियम से तुमको तुम्हारा कल्चर या तुम्हारी हिस्ट्री तुमको पता चलती है, तो उस वो एक बहुत बड़ा कल्चरल डेवलपमेंट भी माना जाता है। नेक्स्ट, न्यू टाइगर रिजर्व। सो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इन राजस्थान इज नोटिफाइड एज 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड 4th इन राजस्थान। ओके, तो अभी राजस्थान में टोटल 4 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेफलिंपिक्स 2021। सो 24th एडिशन ऑफ 2021 समर डेफलिंपिक्स वॉज हेल्ड एट ब्राजील एंड इट वॉज कंडक्टेड बिटवीन 1st मई टू 15th मई। तो जो डेफ पीपल है उनके लिए ये पर्टिकुलर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको डेफलिंपिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, लोक मिलनी। सो पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैज लॉन्च लोक मिलनी फॉर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल। अर्लियर इट वॉज नोन एज अ जनता दरबार, तो जहाँ पे सारे पब्लिक को बुलाया जाता है उनकी प्रॉब्लम्स लेके और डायरेक्टली यहाँ पे 1-to-1 मीटिंग करके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लाए जाते हैं। नेक्स्ट, 19 मई 2022 न्यू बर्ड सेंचुरी। सो नंजरयन टंक बिकेम तमिलनाडुज 17th बर्ड सेंचुरी एंड इट वॉज द फर्स्ट लॉन्च इन द ईयर 2008 इन छत्तीसगढ़। मतलब ये एक स्पेशल तरीके का बर्ड सेंचुरी है, तो जो ऐसे टाइप के बर्ड सेंचुरीज है वो बहुत कम है इंडिया के अंदर।
नेक्स्ट 20th में वर्ल्ड बी डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 20 मई को, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बी एंड थ्रेट्स फेस्ड बाय देम। ऑब्वियसली ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, तो इनका भी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टार्टअप ब्रिज, सो पीयूष गोयल लॉन्चेस इंडिया एंड यूएई स्टार्टअप ब्रिज इन मुंबई। इट इज़ द फर्स्ट ब्रिज बाई यूएई विथ एनी कंट्री एंड मेन इंटेंशन इज टू गिव बूस्ट टू द स्टार्टअप्स इन इंडिया एज वेल एज यूएई। नेक्स्ट एयरपोर्ट्स फॉर फ्लाइंग कार्स, अब तक तो फ्लाइंग कार्स इतना प्रॉपरली आए भी नहीं है, बट एयरपोर्ट्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट फॉर फ्लाइंग कार्स एंड ड्रोन्स स्टार्टेड इन यूके। इट इज पावर्ड बाय द हाइड्रोजन फ्यूल सेल एंड देयरफॉर इट इज प्रॉपरली इको फ्रेंडली सिस्टम। ओके, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यूके ऑलरेडी ले चुका है। नेक्स्ट 21 मई 2022 इंटरनेशनल टी डे फॉर द चाय लवर्स, जो 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द कल्चर हेरिटेज हेल्थ बेनिफिट्स एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टी। हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही, प्लस इकोनॉमिक वाइज भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज चाय से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स है उसका बिजनेस तो बहुत ज़्यादा चलता है आजकल इंडिया में, और आजकल तो चाय के नाम पे स्टार्टअप्स भी बन चुके हैं। नेक्स्ट एंटी टेररिज्म डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 21 मई को, ऑब्जर्व टू वीन अवे यूथ फ्रॉम द टेररिज्म एंड टू वर्क फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक। मतलब जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो जनरली यूथ को टारगेट करके, उनका ब्रेन वॉश करके, उनको टेररिस्ट जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाते हैं। बट उनको ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि ब्रेन वॉश कहाँ हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, और उनका काम है कंट्री के बेटरमेंट के लिए बोलते ना कंट्रीब्यूट करना, ना कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। नेक्स्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन, सो वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल ऑन माउंट एवरेस्ट, इंस्टॉल बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड नेपाल गवर्नमेंट। तो दोनों ने मिलके वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन लॉन्च किया है, इंस्टॉल किया है माउंट एवरेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट 22 मई 2022 इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 22 मई को, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इश्यूज एंड प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट फायर फाइटिंग रोबोट इन दिल्ली, अभी जैसे कि अपने फायर फाइटिंग के तो वो जो ट्रक्स और वो सब होते ही है वो तो आपने देखा ही है, बट दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ एक नया इनिशिएटिव लिया है। एंड दिल्ली गवर्नमेंट इंडक्ट्स 2 रोबोट्स इन देयर फायर फाइटिंग फ्लीट। दिस इज रिमोट बेस्ड रोबोट विच कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। तो ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस टाइप के रोबोट्स को फायर फाइटिंग सिचुएशन के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट 23 मई 2022 वर्ल्ड टर्टल डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 23 मई को, एंड मेन इंटेंशन इज टू ऑब्जर्व सॉरी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रमोशन सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ द टॉर्टोइस एंड टर्टल्स अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट इज 24 मई 2022 वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप। सो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसको IBA भी बोलते हैं, ठीक है, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वॉज हेल्ड एट टर्की एंड इंडियन बॉक्सर निखत जरीन वन गोल्ड मेडल इन 52 kg वेट कैटेगरी एंड मनीषा मौन एंड परवीन हुदा वन ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडिया ने भी इस एक पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और इसमें मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट 25 मई 2022 वर्ल्ड थायराइड डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 25 मई को, अगेन मेन इंटेंशन इज टू स्प्रेड अवेयरनेस कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस डिजीज़ के बारे में पता चले कि डिजीज़ क्या होता है, इसको ट्रीट कैसे करते हैं, और इससे भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल तुम मेंटेन कर सकते हो, मतलब ये डिजीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके। नेक्स्ट इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 25 मई, मेन इंटेंशन इज टू ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज ऑफ द चाइल्ड एबडक्शन, जो बच्चे को छोड़ दिए जाते हैं ऐसे ही, एंड एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट द मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड देयर चिल्ड्रन। तो ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि बच्चे को कोई डस्टबिन में छोड़ के गया, या कोई कहीं पे ऐसे रेलवे स्टेशन पे छोड़ के गया, मंदिर में छोड़ के चला गया, तो इस चीज़
इस सिचुएशन में कोई पेरेंट्स मतलब जब डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत गलत डिसीजन माना जाता है, तो यहाँ पे पेरेंट्स को ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। SCO रैट्स समिट 2022। सो इंडिया होस्टेड द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर समिट 2022 इन न्यू दिल्ली एंड मेजर फोकस ऑफ द मीटिंग वॉज ऑन द सिचुएशन ऑफ द अफगानिस्तान। जैसे अफगानिस्तान में अब तो पूरे तालिबान लोगों ने सारी चीज़ों को कैप्चर कर लिया है, वहाँ की गवर्नमेंट अभी तालिबान गवर्नमेंट के हाथ में आ चुकी है, तालिबान के जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर मिनिस्टर्स बन के बैठ चुके हैं, तो इस सिचुएशन को बहुत वर्स्ट सिचुएशन मानी जा रही है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए ये पर्टिकुलर समिट को कंडक्ट किया था। नेक्स्ट इवेंट आता है इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022। सो थ्री इंडियंस अमंग टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। तो ये जो मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल माने जाते हैं उसमें थ्री इंडियंस हैं। फर्स्ट इज अ गौतम अदानी जो अदानी ग्रुप के ओनर है, देन करुणा नंदी सुप्रीम कोर्ट लॉयर, एंड खुर्रम परवेज जो कश्मीरी राइट एक्टिविस्ट है। ओके, तो ये तीन लोगों को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के लिस्ट में ऐड किया गया है। नेक्स्ट 26 मई 2022 प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM मोदी। सो ACC हैज़ अपॉइंटेड मिस्टर विवेक कुमार एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द PM मोदी। ही हैज़ प्रीवियसली सर्व इन द डिप्लोमेटिक पोजिशन इन रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट ड्रोन इन हेल्थ केयर। सो उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू रोल आउट कमर्शियल ड्रोन सर्विसेज इन द हेल्थ केयर सेक्टर एंड स्टार्टेड बाई USA बेस्ड कंपनी। तो ये जो उत्तराखंड ने इनिशिएटिव तो लिया है लेकिन इसमें USA की जो कंपनी है उसने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रैंक्ड इंडिया 54th पोजीशन, 46 तो जो तो था 2019 में। जो फर्स्ट रैंक है जापान, सेकंड रैंक है USA, थर्ड रैंक है स्पेन, 83rd रैंक है पाकिस्तान और इंडिया है 54th। नेक्स्ट वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। सो ऑयल जायंट सऊदी Aramco has surpassed Apple to become the world's most valuable company in the world due to recent surge in oil prices. तो Apple को बीट करके Aramco वर्ल्ड की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुका है। नेक्स्ट इज 27 मई 2022 OVEP ओडिशा, दैट इज ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। सो इंडियाज फर्स्ट OVEP प्रोग्राम लॉन्च इन ओडिशा एंड OVEP लॉन्च इन 27 स्कूल्स इन रूरकेला एंड 63 स्कूल्स इन भुवनेश्वर, जहाँ पे स्कूल्स के अंदर ही बच्चों को ओलंपिक स्पोर्ट्स उसमें क्या इवेंट्स होते हैं, कौन से स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ये सब के बारे में अवेयरनेस लेके आएंगे, प्लस उनका स्पोर्ट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करवाएंगे। नेक्स्ट 28 मई 2022 मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो 28 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व टू एजुकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल हाइजीन। नेक्स्ट वर्ल्ड हंगर डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 28 मई को टू क्रिएट अवेयरनेस सॉल्यूशन टू हंगर एंड पॉवर्टी। तो ऑब्वियसली जैसे पॉवर्टी की सिचुएशन तो बहुत बेकार होती है, प्लस उसमें भी हंगर सिचुएशन एक बोलते ना इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है जब उसको टाइम पे प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यू ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट वाटर ट्रीटी विथ पाकिस्तान। सो इंडिया इज गोइंग टू वर्क ऑन द 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश टू शेयर वाटर विथ पाकिस्तान अंडर वाटर ट्रीटी, जिसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट 68,000 करोड़ मानी जाती है, जहाँ पे इंडिया एक इनिशिएटिव ले रहा है कि वो वाटर इश्यूज पाकिस्तान के साथ ना करे, इसके लिए प्रॉपरली वो ट्रीटी बनाने जा रहे हैं विथ पाकिस्तान। नेक्स्ट लोन अगेंस्ट शेयर्स। टाटा कैपिटल लॉन्च्ड लोन अगेंस्ट शेयर फैसिलिटी एंड अ पर्सन कैन अवेल लोन फैसिलिटी अप टू ₹5 करोड़ बाई प्लेजिंग शेयर्स इन अ डीमैट फॉर्म। सो टाटा कैपिटल अब तक देखो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन होता था, गोल्ड के अगेंस्ट लोन होता था, अब टाटा कैपिटल शेयर्स के अगेंस्ट भी लोन देगा जो कि डीमैट अकाउंट में होंगे। नेक्स्ट 29 मई 2022
वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज विच आर रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ऑब्जर्व ऑन 29 मई, ऑब्जर्व टू मार्क फर्स्ट समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट डे। देन हेल्थ अकाउंट्स बाय राजस्थान, सो राजस्थान इज गोइंग टू इंस्टीट्यूशनलाइज health accounts with the help of the WHO, helps to estimate the amount spent on health sector. तो कितना funding arrange करना चाहिए, कहाँ कितनी funding use करनी चाहिए health care sector के अंदर, ये राजस्थान government अब करेगा with the help of WHO. Then 30th में record by ONGC, so ONGC becomes the first exploration in a production company to trade domestic gas on the Indian gas exchange. Then last day 31st May, first industrial biotech park. So North India's first industrial biotech park inaugurated in Kathua, that is situated in Jammu and Kashmir. And this park will act as a hub for the incubation of the new ideas. Then IBA Athletes Committee. So Lovlina Borgohain appointed as the chairman of the IBA Athletes Committee by International Boxing Association. Okay, and she will act as a chairman till the 2025. And the next is IPL 2022 winner. So Gujarat Titans won maiden title of IPL 2022 by defeating Rajasthan Royals in finals. Okay, aur wo jo final match khela gaya tha Ahmedabad ke andar. Clear? Chalo. तो इसी के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे फॉर द मंथ ऑफ मई जो हम लोग ने ये पर्टिकुलर वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो के एटलीस्ट करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से देख के जाना, ठीक है। चलो तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।